श्रावण कृष्ण एकादशी के पावन पर्व पर सोमनाथ महादेव को किया गया है वैष्णव दर्शन श्रृंगार। महादेव के ज्योतिर्लिंग पर श्रीनाथ जी की प्रतिकृति तैयार की गई है। श्रीनाथ जी के सन्मुख यमुना महारानी एवं वल्लभाचार्य को भी विशेष स्थान दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय में सोमनाथ महादेव के इस श्रृंगार का विशेष महत्व एवं आदर देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि विष्णु शिव जी के परम भक्त हैं और शिव जी को परम वैष्णव शास्त्र कहते हैं। इस तरह शिव जी और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। पूरे प्रभास तीर्थ को हरि और हर की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव विराजमान हैं, तो साथ ही श्री कृष्ण ने यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इसी भूमि पर महाप्रभु जी की 84 बैठक में से 65वीं बैठक भी स्थित है। कहा जाता है कि जब महाप्रभु जी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का पठन करते थे, तब सोमनाथ महादेव मंदिर छोड़कर भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आते थे। इस तरह सही अर्थ में प्रभास तीर्थ शिव जी की वैष्णवता का और विष्णु जी की शिव प्रियता का प्रतीक है। इस तरह प्रवास भूमि को हरि और हर की मिलन भूमि कहा जाता है। शास्त्रों में विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र धारण किए बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह सुदर्शन चक्र उन्हें स्वयं परमेश्वर शिव जी ने जगत कल्याण हेतु दिया था। शास्त्रोक्त कथा के अनुसार जब संसार में अनिष्टों और दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तब समस्या के समाधान हेतु भगवान विष्णु ने शिवधाम कैलाश जाकर शिव शंकर को शिव सहस्त्र नामावली से उपासना करके प्रसन्न करने का प्रयास किया था। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ एक कमल का फूल महादेव को अर्पित किया। तब शिवजी ने श्री हरि की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए एक कमल को अदृश्य कर दिया। भगवान विष्णु शिवजी की यह माया नहीं पहचान सके, परंतु विष्णु तो सर्वोत्तम शिव भक्त थे, अतः एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने का प्रयास करने लगे। जब फूल नहीं मिला, तब परम शिव भक्त श्री हरि विष्णु ने एक फूल की पूर्ति हेतु अपना एक नेत्र निकालकर परमेश्वर शिव को अर्पित कर दिया। श्री हरि विष्णु की अटल शिव भक्ति को देखकर परमेश्वर शिव शंकर अति प्रसन्न हुए तथा विष्णु के समक्ष प्रकट होकर भगवान विष्णु को एक नया नाम कमल नयन से पुकारा तथा उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री हरि ने भगवान शंकर से ऐसे अजेय अस्त्र का वरदान मांगा जिसकी सहायता से वे देवगणों को दैत्यों के प्रकोप से मुक्त कर सके। फलस्वरूप परमेश्वर शिव ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। श्री नारायण ने उसी सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। इस प्रकार सुरों को असुरों से मुक्ति मिली तथा शिव स्वरूप सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव शिव की माया के रूप में जुड़ गया। तो ऐसी परम भक्ति है भगवान विष्णु की शिव जी के प्रति। चलिए हम भी इस भक्ति में लीन हो जाएं और महादेव के आशीर्वाद पाएं। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से सभी धर्म अनुरागी भक्तों को जय शिव विष्णु, जय सोमनाथ।